I'd like to now invite Honorable Minister of Education, Haryana, Sri Kanwar Pal Gujjar, for his words of wisdom for our society. Over to you, sir. आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी यहाँ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हाथ धोना वैसे तो बड़ी आम सी बात लगती है, पर सही मायने में इसे समझे तो ये आम नहीं, बहुत ही खास बात है। हमारे देश में होने वाले कई ऐसे संक्रमण रोग हैं जो हाथ ना धोने मात्र से ही किसी को भी रोगी बना सकते हैं। वर्तमान समय में कोरोना महामारी ने संसार को हाथ धोने के बारे में सबक सिखाया। छोटे बड़े सभी को हैंड वॉशिंग की महत्ता को समझाया जाता है। समाज में भी हैंड वॉशिंग को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। हमें लगातार दिन में जब भी जरूरी हो अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। इससे हम कोरोना जैसी महामारी से कई जाने बचा सकेंगे। आज मैं यहाँ सम्मिलित सभी लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, CBSE, NCVET, आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट और लाइफ बॉय बांड को मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसा अनोखा विचार हमारे बीच में लाए हैं। एच फॉर हैंड वॉशिंग और इस पर लिखी गई रस्किन बांड जी की किताब, जो बच्चों को ABCD के साथ बड़े आसान तरीके से ये भी सिखाया देती है कि जहां एच फॉर हैट को छोड़कर एच फॉर हैंड वॉशिंग को अपनाया गया है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है। अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हम इस तरह के कंसेप्ट को हमारे यहाँ राज्य के स्कूलों में भी अपनाने के बारे में कार्य करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हम सभी लोगों ने एच फॉर हैंड वॉश से एक नई प्रेरणा को अपनाया है और इससे अपने जीवन को बेहतर और शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।